वेलकम बच्चों, आज हम लोग आपकी बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और अब लेसन नंबर 2 पर आते हैं। फिलहाल मुझे लेसन नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद 1.1 2.1 एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आप 2.1 एक्सरसाइज करने के पहले, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज ओरली एक्सरसाइज है, ठीक है, 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी, तो उसे समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। दोनों मीडियम वाले बच्चे, बोथ ऑफ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश, इसे ठीक से समझेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। अब ये बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इससे पहले कि आप बहुपद के बारे में जानकारी ले, पॉलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन ले, पहले ये पद क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, इसके बाद ध्यान से सुन लें। पद, टर्म्स, ये है एक पद, ये है एक टर्म, ठीक है, ये एक पद, ये एक टर्म। इसका जो पहला हिस्सा होता है वो संख्यात्मक होता है, ठीक है, इसे कोएफिशिएंट भी कह सकते हो, नंबर पार्ट भी कह सकते हैं, और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो चर होता है, वेरिएबल, यानी अल्फाबेटिकल नंबर होता है, एबीसीडी के अंक आते हैं, एक्स वाई जेड, एबीसीडी, ईएफजी, एच, कुछ भी आ सकता है, तो इनसे मिलकर बनता है एक पद, एक टर्म। मैं फिर बोल रहा हूं, पद जो होता है ना, टर्म जो होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला हिस्सा संख्यात्मक होता है, कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल, नंबर पार्ट, और दूसरा हिस्सा चर कहलाता है, वेरिएबल, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों का एक मिलकर बनता है एक पद, एक टर्म, ठीक है। और ऐसे कई पदों का समूह, ऐसे कई टर्म्स की एक चेन कहलाती है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। इट इज अ चेन ऑफ टर्म, पदों की एक श्रृंखला, यानी ऐसे कई सारे पद मिलकर, कई सारे टर्म्स मिलकर जो चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, पदों की एक गाड़ी, टर्म्स की एक चेन, वो बहुपद कहलाती है। देखिए, ये एक पद टर्म, ये एक पद टर्म, ये एक पद टर्म, ये पदों की एक श्रृंखला है, टर्म्स की एक चेन है, और सारे टर्म्स को मिलाकर तो बना बहुपद, पॉलिनोमियल। समझ में आया, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पदों के अनुसार, टर्म्स के अकॉर्डिंग, बहुपद, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। बहुपद, पॉलिनोमियल, पदानुसार, पदों के अनुसार, टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। मोनोमियल्स, एक पदीय, जिसमें एक ही पद आता है, एक ही टर्म्स आता है। बाइनोमियल्स, द्विपदीय, जिसमें दो पद आते हैं, दो टर्म्स, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स, त्रिपदीय, जिसमें 3 पद आते हैं, 3 टर्म्स, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। और अगर 3 से ज्यादा पद आ जाए, 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाए, तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद, मोर देन 3 टर्म्स, 3 पदों से ज्यादा, ठीक है। वैसे तो हम 2 पद वाले को भी बहुपद बोल सकते हैं, 3 पद वाले को भी बोल सकते हैं, 3 टर्म्स वाले को भी बोल सकते हैं, 2 टर्म्स वाले को बोल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां एक पद हो, एक टर्म एज इट इज, वो बहुपद कहलाएगा, एक पदीय बहुपद, मोनोमियल्स। जहां ऐसे 2 पद आ जाए, 2 टर्म्स आ जाए, बाइनोमियल्स, द्विपदीय, और जहां ऐसे 3 पद आ जाए, 3 टर्म्स आ जाए, बाइनोमियल्स, त्रिपदीय, और 3 से ज्यादा पद आने पर, मोर देन 3 टर्म्स, बन जाएगा बहुपद, ठीक है। अब आपकी तरफ आते हैं हम, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल, और यहां चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये चर है वेरिएबल, ये चर है वेरिएबल, ये भी चर है वेरिएबल, यहां चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, थोड़ा सा सुधार देता हूं मैं इसको, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये, तो ये घात 3 सबसे बड़ी है, इसलिए ये
बहुपद की घात बन जाएगी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। यानी किसी भी पॉलीनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है, किसी भी बहुपद में उसके चर की अधिकतम घात ही उसकी घात मानी जाती है। अब घातों के अनुसार डिग्री के अकॉर्डिंग बहुपद, यहाँ भी पॉलीनोमियल बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, मतलब पदों के अनुसार अकॉर्डिंग टू टर्म्स चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स, और घातों के अनुसार पावर के अकॉर्डिंग देखिए कितने प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलीनोमियल, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो, जिस पॉलीनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो, वेरिएबल मीन एक्स वाई जेड, चर मत एक्स वाई जेड, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये देखिए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ चर वेरिएबल एक्स से लिखा और उसकी अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, और चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर वन होती है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलीनोमियल। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघाती बहुपद, 10th क्लास में ये सेकंड चैप्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघाती बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दो होती है, टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो एबीसी है, एबीसी नंबर है, ठीक है, तो ए एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की अधिकतम घात एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो द्विघाती बहुपद बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और फिर आता है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये देखिए चर वेरिएबल एक्स है और उसकी अधिकतम घात तीन है, हाईएस्ट पावर थ्री है, तो जहां चर की अधिकतम घात तीन होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थ्री होती है, तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। ये आप लोग इस टाइप से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम 10th क्लास, अभी हम लोगों ने बहुपद पॉलीनोमियल के बारे में आपको जानकारी दी, ठीक है। अब हम द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपका सेकंड चैप्टर द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और देखिए 10th क्लास के बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, मींस इस चैप्टर में केवल तीन एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज आप लोगों की, फोर्थ एक्सरसाइज जो है ऑप्शनल है, और फर्स्ट एक्सरसाइज केवल 10 मिनट्स की है, सेकंड एक्सरसाइज के लिए मुझे एक दो वीडियो बनाने पड़ेंगे, और थर्ड एक्सरसाइज के लिए तीन वीडियो, मीन्स ये चैप्टर भी आपका एटलीस्ट छः या सात दिनों में ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब, ऑनलाइन स्टडी के हिसाब से खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मैंने आपको अभी अभी समझाया कि पॉलीनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार, घात के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर वन है तो रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल, चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर टू है, दो है, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर थ्री है, तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलीनोमियल। फिलहाल हम लोग आते हैं द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये जो आपको द्विघाती बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, वो इस रूप में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें ए बी सी जो है ना नंबर होते हैं, संख्यात्मक पद, और एक्स वाई जेड चर पद होते हैं, वेरिएबल टर्म। ये देखिए ये ए, ये बी, ये सी संख्यात्मक पद है, नंबर पद, नंबर टर्म, नंबर पार्ट, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, और ये एक जो है वो चर है, ठीक है। तो आपका जो द्विघाती बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वो इस रूप में होता है, चर की वेरिएबल की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर टू होती है, पहले एक संख्या आती है नंबर, फिर चर की घात वेरिएबल की पावर टू आता है, फिर बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर एक संख्या आती है नंबर, फिर चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है,
और फिर एक नंबर आता है, संख्या आती है, इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इस टाइप से आपका ये द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, दिखा आपको इस फॉर्म में होता है, ठीक है ठीक है। और जरूरी नहीं कि x ही है, x भी आ सकता, y भी आ सकता और z भी आ सकता। तो जहां चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूं, द्विघाती बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2, चर की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ध्यान रखना इस चीज का। उसके अलावा जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2, शून्यांकों की संख्या 2 होती है। अभी शून्यांक क्या है, जीरोस क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें अच्छा अच्छा पद वेरिएबल टर्म्स क्या है, x, तो यहां इसको हल करके सॉल्व करके x के दो आंसर आएंगे। हर द्विघाती बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, हर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जब उस बहुपद को उस पॉलीनोमियल को हम हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो वहां उस चर के वेरिएबल के यानी x y और z किसी के भी दो आंसर आएंगे, और वो दो आंसर कहलाएंगे शून्यांक जीरोस। इसका मतलब यहां शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2। जैसे हम इसको सॉल्व कर दें तो यहां x के दो आंसर आएंगे और वो दो आंसर शून्यांक कहलाएंगे जीरोस। इसे सॉल्व कर रहे x के दो आंसर आएंगे और दो आंसर कहलाएंगे शून्यांक जीरोस, ठीक है। और प्रथम शून्यांक फर्स्ट जीरोस को हम कहेंगे अल्फा, और द्वितीय शून्यांक सेकंड जीरोस को हम कहेंगे बीटा। जो x के दो आंसर आएंगे ना उसमें से एक अल्फा कहलाएगा और एक बीटा, और फिर अल्फा और बीटा दोनों शून्यांकों को प्लस करेंगे, दोनों जीरोस का सम करेंगे तो आंसर माइनस बी बाय ए आना चाहिए, माइनस बी बाय ए। और फिर अल्फा और बीटा दोनों शून्यांकों का गुणा करेंगे, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी बाय ए आएगा, सी बाय ए। अब ये तो लंबी प्रोसेस है, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझा होगा, बट एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में इसकी जरूरत पड़ेगी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।